रोशनी जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है वॉशरूम में जाने के लिए, तो उसे अपने सास ससुर के कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है उसके सास ससुर की तबीयत खराब हो। वो उसके कमरे के नजदीक जाती है और खिड़की से झांकती है। जैसे ही कमरे के अंदर वो झांकती है तो कमरे के अंदर ऐसा नजारा वो देखती है जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, एक घटना एक ऐसे रिश्ते के बारे में है जिसके बारे में सुनकर आप भी कहीं ना कहीं ये सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज में कैसे कैसे मानसिकता वाले लोग रहते हैं जो संबंधों को, रिश्तों को तार तार कर देते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ विनोद झा और स्वागत करता हूँ आप सभी दोस्तों का आज के क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल एक ऐसे परिवार की है जो आज के समय के हिसाब से इस कहानी को सबको जरूर सुननी चाहिए और ऐसे मानसिकता वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। दरअसल लाल बाबू का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राहुल। लाल बाबू का बेटा राहुल जब जवान होता है वो अपने बेटे की शादी कर देता है और शादी करने के कुछ महीने तक तो उसका बेटा उसके साथ रहता है, लेकिन घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो परदेश चला जाता है कमाने के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर। इसी तरह कुछ महीने का समय बीत जाता है। फिर एक दिन उसकी जो बहू है रोशनी, वो रात में सो रही होती है अपने कमरे में और वो रात में जब उसको टॉयलेट लगती है, वॉशरूम जाने का मन करता है, तो वो अपने कमरे से निकल करके वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। और जैसे वॉशरूम की तरफ जाती है तो उसके सास और ससुर का जो कमरा होता है उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि हो ना हो मेरे सास ससुर की तबीयत खराब हो गई हो। इस वजह से वो कमरे के नजदीक जाती है और खिड़की से झांकने की कोशिश करती है। और जैसे वो खिड़की से झांकती है तो वो देखती है कि उसके सास और ससुर प्रेम प्रसंग में लिप्त थे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। जब इस तरह का दृश्य रोशनी देखती है तो वो थोड़े देर रुक करके ये सब कुछ देखती रहती है और कुछ देर देखने के बाद वो वॉशरूम चली जाती है। और वॉशरूम से जब वापस आती है तो फिर से वो अपने ससुर के कमरे में झांकती है और देखती है कि उसके सास और ससुर जो है दरअसल उस कमरे में एक दूसरे से संबंध बना रहे होते हैं। जब इस तरह के नजारा वो देखती है तो कुछ देर तक वो वहीं पर रुककर सब कुछ देखने लगती है। और ये सब देखने के बाद दरअसल उसके मन में भी काम वासना जाग जाती है। वो फिर अपने कमरे में जाती है और उसी वक्त अपने पति को फोन लगाती है और फोन लगाकर उसके साथ ढेर सारी बातें करती है। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें भी करती है पति पत्नी के बीच में जो होता है। वो बार बार कहती है कि अब तुम कब आओगे, तुम जल्दी से घर वापस आओ, जब मेरा मन नहीं लगता है। फिर कुछ देर के बाद वो फोन रख देती है और वो मन ही मन सोचने लग जाती है कि काश मुझे भी प्यार करने वाला ऐसा कोई मिल जाता। फिर वो सोचने लग जाती है कि उसकी सास रोज अपने पति के कमरे में जाती है सोने के लिए, वो दोनों एक साथ सोते हैं। उस पर इसके मन में भी एक लालच जग जाती है। दरअसल अब पति से बात करने के बाद, कुछ देर बात करने के बाद वो सो तो जाती है, लेकिन अगले ही दिन वो उसका मन जो होता है अपने ससुर के प्रति, उसके दिल में प्रेम जाग जाता है। वो चाहती है कि काश मेरा ससुर जिस तरह अपनी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग करते हैं, काश वो मेरे साथ भी करते। उसके मन में एक लालच पैदा हो जाता है। फिर वो एक षड्यंत्र बनाने लगती है, सोचने लगती है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। फिर वो सोचती है कि मेरी जो सास है
वो रोज अपने पति के कमरे में जाती है सोने के लिए। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो अपनी अपनी सास को, दरअसल वो अपने सासुर के कमरे में जाने ही ना दे। इसीलिए एक दिन वो अपने सास से कहती है कि सासू माँ, आपके बेटे के गए हुए काफी दिन हो गए और मैं घर में अकेली सोती हूँ और मुझे रात को डर भी बहुत लगता है, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकती कि आज से आप मेरे ही कमरे में सो जाया करें, इससे मुझे अच्छी नींद आ जाएगी, दरअसल मुझे रात को नींद भी नहीं आती है डर के मारे। तो उसकी सास कहती है तो कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है, ठीक है आज से हम तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ ही सो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सोचती है उसकी सास कि ये कैसे हो सकता है, वो ये जानती है कि उसका पति रोज उसके पास आते हैं और वो उसके बिना रह नहीं पाते हैं। फिर थोड़ी देर ये बात सोचकर ये भी सोचने लग जाती है कि ठीक है मैं अपने बहू के साथ ही सोऊंगी और रात को वॉशरूम के बहाने उठूंगी और फिर अपने पति से मिलने के लिए जाऊंगी और फिर मिलकर फिर अपने बहू के पास सो जाऊंगी। अब ऐसा सोचकर वो हामी भर देती है। अब जैसे ही रात होता है तो खाना वाना खाने के बाद उसकी सास उसके पास सोने के लिए आती है। तो वो क्या कहती है अपने सास को कि सासू माँ, एक काम कीजिए, आप मेरे बेड पर सो जाइए और आपकी जो चारपाई है मैं अपने कमरे में ही लगा लेती हूँ और मैं आज चारपाई पे सो जाती हूँ। दरअसल बेड पर सोते सोते ना मेरे कमर में बहुत खिंचाव आ गया है, तंस आ गया है मेरा कमर, तो मैं आज चारपाई पर सोना चाहती हूँ। इस पर उसकी सास कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम चारपाई पे ही सो जाओ। फिर वो अपनी सास को अपने बेड पर लिटा देती है और खुद उस चारपाई पर लेट जाती है और लाइट बंद कर देती है और फिर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है, लेकिन कुंडी नहीं लगाती है। वो ये सोचकर कि अगर कोई बाहर से दरवाजा खोलना चाहे तो जरा सा धक्का देते ही दरवाजा खुल जाए, और वो चाहती भी यही थी। अब खाना वाना खा करके सब सो जाते हैं। जब रात के 1 बज जाता है तो उसका जो ससुर होता है उसका मन करता है अपने पत्नी के पास जाने का। तो उसे पता तो ये होता ही है कि मेरी जो बीवी है, मेरी पत्नी है, वो अपने बहू के कमरे में सो रही है। फिर वो चुपके से अपने बहू के रूम में जाता है और फिर दरवाजे को धीरे से धक्का देता है। जैसे दरवाजे को धक्का देता है दरवाजा खुल जाता है और कमरे में बिल्कुल अंधेरा होता है, बस हल्की हल्की सी दिखाई रोशनी सी होती है जो बाहर से आ रही होती है, बाकी कमरा बिल्कुल अंधेरा होता है, उसे कुछ खास दिखाई नहीं देता है। हाँ, उसे ये दिखाई देता है कि एक तरफ बेड पर बहू लेटी हुई है और चारपाई पर उसकी बीवी लेटी हुई है। दरअसल वो तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि उसकी बहू चारपाई पर लेटी है और उसकी बीवी बेड पर लेटी है। वो चारपाई के पास जाता है और फिर चारपाई में उसकी बहू जो लेटी होती है उसके बगल में जाके लेट जाता है। दरअसल वो तो ये सोचता है कि ये मेरी पत्नी है, और उसके बगल में लेटने के बाद फिर उसके साथ प्यार करने लग जाता है। और इधर इसकी जो बहू होती है वो भी चाहती तो बिल्कुल यही है, वो जैसे जैसे करता रहता है वो भी उसी तरह से उसका साथ देने लग जाती है। और थोड़ी देर बाद दोनों संबंधों के मर्यादा के सारे सीमाओं को तोड़कर फिर एक दूसरे से संबंध बनाने लग जाते हैं। और थोड़े देर के बाद साथ बिताने के बाद वो तो ये सोचता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ। वो रात के अंधेरे में इस बात का फर्क नहीं कर पाता है कि दरअसल ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी बहू है। फिर ये सब कुछ करने के बाद वो अपने कमरे में उसका ससुर चला जाता है। अब ये इधर दरअसल उसकी जो बहू होती है वो फिर से अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और उसके चारपाई के पास जा करके उसके साथ लेट जाती है। महसूस करता है कि दरअसल उसकी पत्नी उसके बगल में आके सो गई है। तो उस पर वो अपनी पत्नी को कहता है, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं होता, उसकी बहू होती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता है कि मेरी बहू है। वो अपने बहू को पत्नी समझ कर कहता है कि क्या बात है, अभी अभी तो मैं तुम्हारे पास से होके आ रहा हूँ,
फिर इतनी जल्दी तुम क्यों आ गई? इस पर वो कहती है कि आप जिसके पास से होकर आए हो वो दरअसल आपकी पत्नी नहीं है, आपकी बहू थी, वो मैं थी। जैसे ही इस तरह की बात बाबूलाल सुनता है तो एकदम से उठकर बैठ जाता है और वो कहता है कि बहू ये तुमने क्या किया, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो सारी बातें वो अपने ससुर को बताती है कि कैसे मैं चारपाई पर लेटी थी, कैसे आप मेरे पास आए थे और मेरे साथ आपने संबंध बनाया था। फिर एकदम से उसके बाबूलाल से वो लिपट जाती है। अब बाबूलाल भी उत्तेजित हो जाता है और फिर से उन दोनों के बीच में बाबूलाल के कमरे में ही संबंध बनना शुरू हो जाता है। तब तक क्या होता है, इधर जो उसकी पत्नी होता है बाबूलाल की, उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलती है तो पहले वॉशरूम जाती है, उसके बाद वो अपने पति के चारपाई के पास आती है। क्योंकि उस कमरे में भी अंधेरा होता है तो वो अपने पति के पास सोना चाहती है चारपाई पे, लेकिन वो हाथ से टटोलती है तो उसे ऐसे महसूस होता है कि दरअसल उस चारपाई पर तो जगह ही नहीं है। फिर वो और दोनों हाथ से टटोलती है तो महसूस कर जाती है कि इस चारपाई पर तो पहले से ही दो लोग सो रहे हैं। फिर उसके बाद वो कमरे की लाइट जलाती है और उसके बाद जो नजारा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। इस पर दोनों उसको चुप कराते हैं, लेकिन इसके बाद वो चुप नहीं रहती है, उसके घर में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। वो बहुत खरी खोटी अपने पति को भी अपनी बहू को भी सुनाती है। और फिर जैसे सवेरा होता है फिर फोन करके रोशनी के परिवार वालों को सारी बातों को बता देता है। अब जैसे ही रोशनी के परिवार वालों को इस बात का, मायके वालों को इस बात का पता चलता है तो उसके मायके से कुछ लोग आते हैं और इसे सास ससुर से बात करने के लिए। इस पर इसकी सास कहती है चाहे कुछ भी हो जाए जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता आप अपनी बेटी को लेकर यहां से चले जाए, इसी में हम सबकी खैरियत है। तो दोस्तों इसके बाद उसके परिवार वाले, उसके मायके वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसीलिए इस कहानी में किसी का नाम, किसी जगह का नाम या कोई ठिकाना नहीं बताया गया है, नहीं लिया गया है, ताकि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। दरअसल इस तरह के आपराधिक मानसिकता वाले और इस तरह के घटिया मानसिकता वाले लोग हमारे समाज में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो आप ऐसी मानसिकता वाले लोगों से सावधान रहें और अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करें, यही हमारा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।